जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर जाए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी, आशा बहनों और शहीदा कर्मियों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य का कोई भी अपडेट होता है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। खासकर आंगनबाड़ी बहनों का संबंधित मानदेय, स्थायीकरण, नियमितीकरण, राज्य कर्मचारी दर्जा, पेंशन से संबंधित तो कोई भी खबर होती है तो वो भी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बताना चाहूँगा, आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह आंदोलन किया है। आंदोलन के बाद में ही कई जगह पर बहनों का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन सेवानिवृत्ति भी अभी भी कई राज्यों में नहीं की गई है। उड़ीसा में बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, 60 से 62 साल आपकी सेवानिवृत्ति कर दी गई है, और आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा आपका उम्र है सेवानिवृत्ति का 70 साल, 60 से 70 साल कर दी गई वहाँ पे। लेकिन 70 साल बाद में भी वहाँ पे एक घोषणा की गई थी कि अगर सेवानिवृत्ति होती है, सेवानिवृत्ति पर कुछ पैसा देने की बात बोली गई थी, 50,000 से 1 लाख रुपए तक। लेकिन जब सेवानिवृत्ति बहने जा रही है, ऐसा देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कमेंट भी बहने कर रही है कि सर पहले बोला गया था कि 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के आपको सेवानिवृत्ति में पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं और कोई भी उसका प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, या तो पहले घोषणा नहीं करनी चाहिए, अगर घोषणा कर रहे हैं बहनों के लिए तो कम से कम ये एक राशि थोड़ा बहुत देना चाहिए बहनों के लिए। ये आई थिंक सभी राज्य को ये ऐसी घोषणा ही करनी चाहिए। तो बहनें टाइम टू टाइम अपनी मांगे उठाती रही है। हरियाणा के अंदर बहनों ने अपनी जो मानदेय बढ़ोतरी हुई थी वो पैसा नहीं मिल रहा था, उसके कारण से पिछले महीने आंदोलन किया था, उसके कारण से बहनों का जो मानदेय है उसके बाद में राजी हुई थी कि हम जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ऐसे ही कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी कई बार मांगे उठी है मानदेय बढ़ोतरी, और राजस्थान के अंदर मानदेय बढ़ोतरी किया गया है लेकिन अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। और 25% आपका बढ़ोतरी हुआ है आपका बिहार के अंदर, वो भी अभी अकाउंट में नहीं आया है। तो ऐसे करके सभी जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं वीडियो में अब डालता रहता हूँ, आप हमारे साथ में बने रह सकते हो। कोई भी अपडेट होता है, कोई भी आपका आपका डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके मेरे को पूछ सकते हो। हिमाचल प्रदेश में बढ़ोतरी हुआ है, उत्तराखंड में भी आंदोलन होता है बहनों का, और उसके वहाँ भी बढ़ोतरी किया गया है। उत्तराखंड में एक बहुत अच्छी बात है, 17,000 रुपये का मतलब आपको अच्छे कार्य करने के लिए 1 साल में दिया जाएगा, तो वो भी एक अच्छी घोषणा की गई है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ, बहनें ने क्या क्या मांगे कि रखी है अपनी, मतलब किस पद के लिए कितना रुपया होना चाहिए कम से कम मानदेय बढ़ोतरी और नियमितीकरण के लिए, तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप क्या चाहते हो, इतना क्या सफिशियंट है 18,000 रुपये कार्यकर्ता के लिए, या इससे ज़्यादा होना चाहिए पैसा, और आपकी क्या क्या मांगे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिएगा, जिससे सरकार को पता भी चल सके। तो आप देख सकते हो ये पूरी वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगा 18,000 रुपये मानदेय, तो एक जायज़ मानदेय है क्योंकि 18,000 रुपये आज की इस महंगाई के अंदर कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 18,000 रुपये मानदेय को लेकर के मांग को लेकर के सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मंगलवार को गांधी प्रतिमा के समक्ष डेरा डाल दिया, और उन्होंने मांगों से संबंधित 12 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित भी किया था। और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के आह्वान पर चारबाग स्टेशन के बाहर 71 कार्यकर्ता मार्च की शक्ल में GPU स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचे। उन्हीं अगुवाई कर रही प्रदेश अध्यक्ष साइमा परवीन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपये और सहायिकाओं को 9,000 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी को 17,000 रुपये मानदेय देने की मांग की गई है। क्या आई यह है सफिशियंट है, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हो आप। उन्हें कहा कि मांगें पूरी होने तक कार्यकर्ता को गांधी प्रतिमा के समक्ष ही डटे रहेंगे, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बुधवार को भूख हड़ताल होगी। देर शाम को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन लक्ष्मण मेला मैदान भेजा गया, जिसकी वजह से बहनें वहां पे हटाई गई। तो आप देख सकते हो बहनें जगह जगह अपनी मांग उठाती रही है, लेकिन सरकार को चू तक नहीं कर रही है बहनों के मानदेय को लेकर के। लेकिन जब सत्ता में नहीं आते उससे पहले कई वायदे करती है कि हमें सत्ता में आएंगे तो आपके लिए जो स्थायीकरण है नियमितीकरण करेंगे और इतना हम पैसा भी बढ़ाएंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो
बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं हो सकता, खजाना में खाली है, पता नहीं कई बहाने निकाले जाते हैं। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को इतनी ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी चुनाव आ गए तो चुनाव के अंदर भी एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ लगाई जा रही है और दुगना काम बढ़ गया। स्मार्टफोन दे देगी रजिस्टर मेंटेन करने, स्मार्टफोन में भी अपडेट करना हर चीज़, कब टीका लग रहा है आशा बहनें सारा अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे करके बहनें मतलब कमेंट्स भी करती रहती है, सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सरकार को कम से कम मानदेय बढ़ाए, कम से कम कई बार तो बहनों को छुट्टी के दिन भी आना पड़ता है जो अपडेट देने के लिए डीएम वगैरह को, तो भी उसका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मानदेय भी टाइम से कई की स्टेट में नहीं आता है, वो भी कमेंट्स करके बताती रहती है बहनें। लेकिन सरकार को ऐसे एक नियम बनाना चाहिए जिसकी वजह से बहनों को मतलब वेलफेयर देखा जा सके। तो आप अगर आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे साथ में बहने बने रह सकते हो, और आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी अपडेट होगा मैं आपके लिए वैसे भी लेकर के आता रहता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जय भारत।